स्वागत है हृदय सामाजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक स्पेशल समर स्पेशल मिक्स वेज ड्राई का रेसिपी लेकर आया हूँ। आज का ये रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल सबसे खास मिक्स वेज ड्राई का रेसिपी सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले वेजिटेबल को कट करके रेडी कर लेंगे और मसाले इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले एक पैन में 10 ग्राम बटर ऐड कर लीजिए। बटर मेल्ट होने के बाद 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच जिंजर को कट करके ऐड कर लीजिए। साथ में 5 टू 10 ग्राम खड़े गरम मसाला ऐड कर लीजिए और एक तेज पत्ता ऐड कर लीजिए। साथ में एक बड़े साइज अनियन को कट करके ऐड कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट चलाते हुए फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज टमाटो को कट करके ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद 5 से 6 काजू ऐड कर लीजिए और साथ में 2 रेड चिल्ली ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा से मिक्स करके मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए और 1 मिनट के बाद 1 बड़ी स्पून खसखस ऐड कर लीजिए, 1 बड़ी स्पून धनिया ऐड कर लीजिए और साथ में आज का स्पेशल रेसिपी को और लाजवाब और मसालेदार बनाने के लिए 1/2 स्पून व्हाइट तिल ऐड कर लीजिए और 1/2 स्पून सौंफ यानी कि पान मधुरी ऐड कर लीजिए। 1/2 स्पून जीरा ऐड करके सबको अच्छा से मिक्स करके चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में बढ़िया अच्छा तरीके से फ्राई कर लीजिए। 2 मिनट के बाद जो गरम मसाला यानी कि तेज पत्ता और जो बड़े इलायची थे उसे बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल के पूरे मसाले को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके एक लाजवाब मसाला रेडी कर लीजिए। जब तक मसाले इंग्रेडिएंट्स ठंडा हो रहे, चलिए आज का स्पेशल रेसिपी के वेजिटेबल को फ्राई कर लेते हैं। आज का स्पेशल रेसिपी वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए एक पैन में 10 टू 15 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज के पोटैटो को कट करके ऐड कर लीजिए। साथ में एक 50 ग्राम गाजर को कट करके ऐड कर लीजिए। जैसे कि पोटैटो और गाजर बॉयल होने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो पोटैटो और गाजर को 2 मिनट के लिए सबसे पहले मीडियम या लो फ्लेम में ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद दूसरे वेजिटेबल्स को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं 200 ग्राम कॉलीफ्लावर को कट करके अच्छा से क्लीन करके ऐड कर लिया हूँ। साथ में 100 टू 150 ग्राम बीन्स को कट करके ऐड कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और ढक के 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए या फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद चेक कर लीजिए और पूरे वेजिटेबल्स को अच्छा से एक बार साइड चेंज या मिक्स कर लीजिए। आज का स्पेशल रेसिपी के लिए वेजिटेबल्स फ्राई का प्रोसेस में ध्यान रखें 70-80% पूरे वेजिटेबल्स को हमें फ्राई करके रेडी करना है। तो सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करने के बाद एक छोटे साइज कैप्सिकम को कट करके ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके ऐसे ही चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। आज का स्पेशल मिक्स्ड वेज ड्राई का रेसिपी बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होने वाला है, तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। पूरे वेजिटेबल्स को अच्छा से फ्राई करने के बाद साइड में रख दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का मसाले का प्रोसेस। सबसे पहले एक कढ़ाई या डिश में 70-80 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 स्पून जीरा ऐड कर लीजिए। साथ में एक तेज पत्ता ऐड कर लीजिए
और 2 से 3 रेड चिली यानी कि सूखा मिर्ची ऐड कर लीजिए। आज का स्पेशल रेसिपी को और लाजवाब और टेस्टी बनाने के लिए 1/2 स्पून शक्कर ऐड कर लीजिए। सबको हल्का मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट के बाद जो आज का स्पेशल लाजवाब मसाला रेडी करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। सेम जार में हल्का पानी ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से चलाते हुए मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 2 मिनट के बाद बेसिक मसाले पाउडर ऐड कर लीजिए, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट मसाले को पकाने के बाद चेक कर लीजिए, अगर मसाले से कुछ इस तरह ऑयल छूटना शुरू हो चुके हैं तो साथ में एक मीडियम और बड़े साइज के ऑनियन को कट करके ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा से मिक्स करते हुए ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए और 2 मिनट के बाद जो वेजिटेबल को फ्राई करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। पूरे वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और साथ में हल्का गर्म पानी 1/2 बाउल ऐड कर लीजिए। गर्म पानी ऐड करके सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करके मीडियम या लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। देख सकते हैं आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त तरीके से बन के रेडी हो रहा है। तो सबको बढ़िया अच्छा तरीके से साइड चेंज या एक बार मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करने के बाद ऐसे ही 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। 1 मिनट के बाद एक मीडियम साइज टमाटो को चिल्ली टाइप में कट करके ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल मिक्स्ड वेज ड्राई का स्पेशल रेसिपी। 2 मिनट के बाद देख सकते हैं आज का स्पेशल मिक्स्ड वेज ड्राई बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड स्ट्रांगली रिकमेंड है आप डेफिनेटली हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमारे रेसिपी के साथ जरूर एक बार घर में ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ आपका स्पेशल मिक्स्ड वेज ड्राई का टेस्ट कैसा रहा। सबसे खास बात ये रेसिपी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक मसाले और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ आराम से हमारे रेसिपी के साथ आप घर में बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड डेफिनेटली घर में एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड ये था आज का स्पेशल और लाजवाब रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से घरों इंग्रेडिएंट्स के साथ लाजवाब टेस्ट के साथ बना के रेडी कर लिए हैं। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए वीडियो हम यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।